मुझे ऐसे फायर नहीं कर सकते। तो फिर कैसे फायर करूं? कैसे फायर करूं तुम्हें? जानती हो, तुम्हारी वजह से सारे स्पॉन्सर्स बैकआउट हो गए हैं। इस मैगजीन को कोई भी नहीं खरीद रहा। सर, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने सभी मैगजीन वापस मंगवा लिए सर, अब हम क्या करेंगे सर? देखा तुमने, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मिस भारती। अब तुम्हारा क्या कहना है मिस भारती? सर प्लीज रिलैक्स, ये बदलाव असर करने में थोड़ा वक्त लेगा। गाइस प्लीज रिलैक्स यार। ना ना ना, इस कंपनी में बदलाव के लिए टाइम नहीं लगता है। इस कंपनी में बदलाव एक सेकंड में आता है, एक सेकंड। और मैं एक सेकंड में तुम्हें इस कंपनी से फायर कर रहा हूँ और ज्ञान को चीफ एडिटर बना रहा हूँ। ज्ञान? यस सर। ऐसा मैंने पहली बार नहीं किया है। जून 2008 का इशू, मैंने एंड वक्त पर सब कुछ बदल दिया था, सब कुछ। शुरू शुरू में इसके सेल्स बिगड़े थे, लेकिन बाद में द मैगजीन वाज अ सेल आउट। और मार्च 2008 का समर स्पेशल एडिशन, मैंने एंड वक्त पर सारे डिजाइन बदल दिए थे, सब के सब। और सबने कहा था कि ये वर्क नहीं करेगा, लेकिन द इशू वर्क। एंड होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, अमर डार्लिंग, ये तो अपने आपको भास्कर समझ रही है। भास्कर की कामयाबियां गिनाने से तुम्हारी कमियां कम नहीं हो जाएंगी। भास्कर वॉज द मैन और तुम सिर्फ एक वो मैन हो, वो मैन। भास्कर जब कोई काम करेगा तो लोग उसे सलाम करेंगे, और वही काम जब भारती करेगी तो लोग उसे हराम कहेंगे। Why? Because भास्कर एक मर्द था, टेंटना तुम एक औरत हो। अपना सामान निकालो एंड गेट आउट ऑफ हियर, यू आर फायर्ड। तुमने भारती की फोटो बॉस को दिखा के ठीक नहीं किया। भारती इस जॉब से निकल गई, मेरे लिए इससे ज्यादा ठीक और क्या हो सकता है? मैंने सुना था औरतें औरतों की दुश्मन होती हैं।